संत पौलुस एक ऐसी हस्ती जिन्होंने प्रभु येसु के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया, विश्वास का स्तंभ, प्रभु का प्रेम संदेश वाहक, जिन्होंने इस संसार में प्रभु की ज्योति एवं स्नेह का प्रचार किया। तो लीजिए, प्रस्तुत है उन्हीं के आत्म परिवर्तन की कथा इस नृत्य नाटिका के रूप में, सौल से संत पौलुस। कहानी संत पौलुस की, ये है कहानी अनोखी, ये है कहानी दृढ़ विश्वास की, यीशु सेवक पौलुस की। हे सुनो कहानी संत पौलुस की, ये है कहानी अनोखी, ये है कहानी दृढ़ विश्वास की, यीशु सेवक पौलुस की। उस शहर का मूल निवासी, ईश भक्तों का बोधा विरोधी, ईश प्रेमी को वो सताता, जुल्म सितम उन पर वो ढाता, ईश प्रेमी को वो सताता, जुल्म सितम उन पर वो ढाता। सुनो कहानी संत पौलुस की, सुनो कहानी। प्रभु के शिष्य स्तेफनुस की मृत्यु के बाद साउल प्रभु भक्तों को सताया करता, वह घर घर घुस जाया करता और प्रभु भक्तों को घसीटकर बंदीगृह में डाल दिया करता। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमस्कुस में रहने वाले प्रभु भक्तों के खिलाफ अनुमति मांगी ताकि वह वहां जाकर उन्हें भी हानि पहुंचाए। शुभ हूँ,
सच्चाई कारक हूँ, मैं विद्रोही हूँ, मैं अनैतिक हूँ, मैं वो सब हूँ जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। और आज मैं अपने फौज को लेकर दमस्कस जा रहा हूं। वहां के लोग सत्य की खोज में अपनी हस्ती भूल गए हैं। यदि वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं और अपने समूह में लौटते हैं तो ठीक, नहीं तो चलो तुम सब मेरे साथ चलो। वो देखो चला साल दमस्कस की राहों पर, कोई फिकर उसे ना कोई है डर। वो देखो चला साल दमस्कस की राहों पर, ना कोई फिकर उसे ना कोई है डर। आओ चलो हम इन भक्तों को धूल चटाएं। प्रभु के भक्तों पर वो अब जुल्म ढाने चला, वो ना समझ जो ईश्वर को चुनौती देने चला। प्रभु के भक्तों पर वो अब जुल्म ढाने चला, वो ना समझ जो ईश्वर को चुनौती देने चला। देखो देखो वो देखो, वो देखो चला साल दमस्कस की राहों पर, ना कोई फिकर उसे ना कोई है डर। वो देखो चला साल दमस्कस की राहों पर, ना कोई फिकर उसे ना कोई है डर। क्यों अत्याचार करते हो? आप कौन है? कौन है आप? मैं यीशु जिस पर तुम अत्याचार करते हो। यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए प्रभु। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ। प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए प्रभु। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंधा हो गया हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ।
और फिर प्रभु येसु ने दमिश्क में अनानियस नामक अपने शिष्य को दर्शन देकर सौल से मिलने को कहा और चल पड़े अनानियस सौल से मिलने। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। हे प्रभु, आज के बाद मैं जीऊंगा भी तेरे लिए और मरूंगा भी तेरे लिए। और इस तरह कट्टर विरोधी साउल
प्रभु का सेवक पॉल बन गया। पॉल जिसका अर्थ है विनम्र या छोटा। प्रभु का क्रूर शत्रु अब प्रभु का प्रेरित बन गया। पॉल हर जगह जाकर प्रभु का नाम का प्रचार करने लगा। बेखौफ निडर होकर उन्होंने सभागृहों में अपने ईश अनुभवों को बांटा। उनका कहना था कि यदि हमारे पास दुनिया की सभी धन दौलत सभी कुछ हो, यदि हम प्रतिभाओं से भरे हुए हैं, किंतु अगर हमारे अंदर दूसरों के लिए प्यार नहीं, तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हैं। अब वहां के लोग पॉल के शत्रु बन गए और पॉल को मार डालना चाहते थे। आखिरकार वो समय भी आ गया जब पॉल को लोगों ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया और संत पौलुस अपने प्रभु में लीन हो गए। अब समय पूरा हो चुका था। कट्टर विरोधी प्रभु का सेवक बन गया। आज संत पौलुस हम सबसे कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। मेरे बच्चों, ईश्वर ने तुम सबको एक नया जीवन दिया है। जरा सोचो, क्या तुम सब अपने जीवन को प्रभु ईश्वर को समर्पित करना चाहते हो? तो एक दूसरे को क्षमा करो और प्रेम से निस्वार्थ जीवन व्यतीत करो, तभी तुम्हें ईश्वरीय सुख प्राप्त होगा।